बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया तो प्लीज सब्सक्राइब करवा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल जाए, और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल सके। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो बहुत छोटा सा सर्किट है। इस सर्किट के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो है 10 एम्पियर का 3.7 वोल्ट का ली आयोन BMS PCM बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड है। क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं कि आप जो है ये लिथियम सेल जो है लिथियम आयन सेल विदाउट प्रोटेक्शन बोर्ड आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको 5 वोल्ट से चार्ज करने की कोशिश भी की तो ये गर्म होके खराब हो जाएगा, फूल जाएगा, बेकार हो जाएगा सेल। तो ये 5 वोल्ट के जो मोबाइल चार्जर होता है उस पर आप डायरेक्ट इसको चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है ये वाला सर्किट तो 10 एम्पियर का है, काफी पावरफुल सर्किट है। और इसका जो है आपको मैं एक और इसकी चीज बताना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज जो करता है कंटिन्यूस करंट जो है, ओवरचार्ज इसका जो है रिलीज वोल्टेज है 4.23 से लेकर 0.5 वोल्टेज, ठीक है। ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज है 2.5 से लेकर 0.1 वोल्ट तक है, और मैक्सिमम कंटिन्यूअस चार्जिंग जो करेगा और डिस्चार्जिंग और कंटिन्यूअस चार्जिंग करेगा 7.5 एम्पियर के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट है 10 एम्पियर, मैक्सिमम इसका डिस्चार्ज करंट जो है 10 एम्पियर है। और इसके फीचर्स में इंक्लूड है हाई अकरेंसी वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट है, और जो है इसका टर्मिनल ऑफ द चार्जर यूजिंग हाई वोल्टेज डिवाइस MOS जो ट्रांसिस्टर्स के लगे हुए हैं इसके अंदर, वो कंट्रोल करेंगे आपकी बैटरी को, चार्ज और डिस्चार्ज बैटरी को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये अब मैं आपको इसको सिंपल लगा के दिखाऊंगा ये सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे आप देखें पॉइंट नजर आ रहे होंगे, दो पॉइंट इसके, आप एक पॉइंट जो है एक पॉइंट आप ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये जो है पी लिखा हुआ है, पी माने पावर और बी माने बैटरी। बैटरी के टर्मिनल यहाँ पे लगेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अगर कनेक्शन उल्टे लग जाते हैं आपसे पावर के तो सर्किट डैमेज हो सकता है, सर्किट की IC ट्रांसिस्टर जल सकते हैं। चार तार मैंने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिए हैं, और आप इसको सोल्ड आराम से कर सकते हैं। बहुत यहाँ पे प्लस माइनस मैंने लगा दिया, एक केस यूज किया है जो कि 18605 सेल का साइज है, लिथियम आयन सेल है ये। यहाँ पे अब मैंने ये प्लस है मेरा बैटरी का, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल मैं जोड़ दूंगा प्लस प्लस में, यहाँ पे आप देखें ये मैंने जोड़ दिए बैटरी के टर्म, ये माइनस जोड़ दिए। देखें यहाँ पे मैंने लिथियम आयन सेल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर पावर ऑन हो चुकी है। अगर आपने गलत टर्मिनल लगाने की कोशिश की तो ये सर्किट जो है जल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से कैसे जलेगी, क्योंकि इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर जरा सा उल्टा लग जाए तो फौरन इसका जो है जल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये टर्मिनल पे लगा दिया जिसकी पावर के टर्मिनल थे, तो ये यहाँ पे मुझे 3.99 वोल्ट शो कर रहा है, जो सेल की पावर है ये शो कर रहा है। अब आपने ये, मैंने आपको चेक कराया इसलिए कि ये प्रोटेक्शन बोर्ड है, सर्किट प्रोटेक्शन बोर्ड है, ये सेल को लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए दोनों में यूज होता है। यानी आप इससे चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने सेल को, और इसी पावर से, यही दो तार से आप जो है पावर के जो दो तार हैं उससे आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि यूज भी कर सकते हैं। डिस्चार्ज मीन्स यहाँ पे आप देखें कि ये 3.9 वोल्ट दे रहा है, ये देखें ये माइनस ब्लैक वाला मैंने इस पर टच किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अगर मैं इसको उल्टा लगा देता हूं तो आप यहां देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा, ये देखिए यहां माइनस शो कर रहा है। इसका मतलब है आपके जो मीटर के टर्मिनल हैं वो गलत लगे हुए हैं, क्योंकि आपका ये प्लस है ही नहीं, ये माइनस है। जहां पर रेड वाला लगाया हुआ है आपने, माइनस है ये और ये प्लस है, तो वहां पे शो कर देगा। अगर आपने इस टर्मिनल पे ऐसे लगाया
और यहाँ पे चेकिंग का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो सर्किट पे से, अगर पावर का प्लस वगैरह जो है रिमूव हो गया हो, तो आपने मीटर पे से चेक करके लगाना है। अगर यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपने इसके पॉइंट मीटर पॉइंट सही लगाए, तो आप पहचान जाएंगे रेड वाला मेरा इधर लगाए तो ये प्लस हो गया मेरा और ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक यूएसबी ले लेनी है, एक यूएसबी केबल ले लेनी, जो आपने उसको इसको इंसुलेशन उतार के उसके अंदर चार वायर मौजूद होंगे, और चार वायर मौजूद होने के साथ आपने दो डेटा के होते हैं, दो जो होते हैं पावर के होते हैं, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ पे रेड वाला और ब्लैक वाला ले लिया है और बाकी जो दो वायर थे एक्स्ट्रा वो मैंने काट दिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रेड वाला मैं यहाँ जोड़ दूंगा और रेड वाला ब्लैक वाला इधर जोड़ दूंगा। तो ये आप मोबाइल के जब चार्जर में लगाएंगे तो ये आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा और सर्किट भी गर्म नहीं होगा और सेल भी गर्म नहीं होगा। और इसी से आप ये निकाल के या यूएसबी के थ्रू जैक लगा के आप इससे पावर भी ले सकते हैं अपनी 3.7 वोल्ट की पावर लेकर, और आप इस पर आराम से काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी चार्जर भी हो जाएगा ये और इससे पावर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको 12 वोल्ट रिक्वायर्ड हो तो आपने ये मॉड्यूल लगाना है, स्टेप अप मॉड्यूल लगा के आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्ट जो है इन लिखा हुआ यहाँ पे, वोल्ट इन प्लस वोल्ट इन माइनस, वोल्ट आउट प्लस वोल्ट आउट माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपने ये मॉड्यूल यूज करना है स्टेप अप, जो कि आपको रेगुलेट करके देगा वोल्टेज। ये की लगी है इसकी, यहाँ से आप रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये इन में लगा देते हैं इसका प्रोटेक्शन बोर्ड, तो यहाँ पे आपको जो है ये वोल्टेज देना शुरू कर देगा। और अगर आप सिर्फ ये वाला सर्किट अटैच करना चाहते हैं अपने 3.3 वोल्ट के सेल के साथ, तो सिर्फ आपने इन जो है इसके सेल के यहाँ पे जोड़ देने हैं, इस सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं रखना है आपने। सिर्फ आपने यहाँ से इसको इन जोड़ देना और यहाँ से आउट आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी 12 वोल्ट जितने एडजस्टेबल आप लेना चाहें, 5 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट, तो यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आप अगर आप सर्किट पे भी इस पे भी लगाते हैं तो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन आप सेल पे लगाएंगे तो वो पूरा सेल का ओरिजिनल बैकअप लेगा। जैसा कि आप 12 वोल्ट का बल्ब जला रहे हैं तो आप सर्किट का जैसे 5 वाट का है तो वो यहाँ पे हो सकता है कि ये डिस्चार्ज ना, और आप यहाँ भी पॉइंट पे लगा सकते हैं अपना ये 12 वोल्ट का जो मॉड्यूल है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दोनों डिस्चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप वहाँ लगाते हैं सेल के ऊपर तो वो भी सही रहेगा, और इसको चार्जिंग पर्पज से यूज़ करते हैं यानी कि चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको डिस्चार्ज के नहीं यूज़ करते हैं वो भी चलेगा। तो दोनों आपको मैंने फंक्शन इसके अंदर बता दिए क्या क्या फंक्शन है, ये चार्ज भी करता है, ये सर्किट के बारे में आज आपको मैंने बताया जो कि चार्ज भी करता है डिस्चार्ज भी करता है, बहुत काम का सर्किट है, 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर डिस्चार्ज करेगा और 7.5 एम्पियर चार्जिंग भी करेगा, यानी 10 एम्पियर की स्पीड से चार्जिंग भी करेगा क्योंकि इसके अंदर काफी हैवी चीजें लगी हुई हैं। जो है आप इसको डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, सेल को डायरेक्ट अगर चार्ज करेंगे तो फट जाएगा सेल, क्योंकि डायरेक्ट करंट नहीं दिया जाता इसके अंदर, ये आईसी के ऊपर ही रन होता है, ये जो ट्रांसिस्टर लगे होते हैं चार्जिंग के उसी के ऊपर ये काम करता है। तो ये सर्किट प्रोटेक्शन बोर्ड, आज जो मैंने आपको इस सर्किट प्रोटेक्शन बोर्ड बताया, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।